206 मशीन है। इमेज यूनिट खोलना कैसा है? इसका पहले फ्रंट कवर ओपन करने के बाद में यहाँ निकाल लेंगे। यहाँ देखिए, पहले ये इसको खोल देना है। सारे में सेम इमेज यूनिट होता है और सेम खोलने का तरीका होता है। ये देखिए, यहाँ एक कनेक्शन है, इसको धीरे से पकड़ के आगे की तरफ खींचेंगे, एक खुल जाएगा ऐसे। ठीक, अब यहाँ पे दो स्क्रू है, देखिए दो स्टील का स्क्रू होता है, एक यहाँ पे के बाद में इसको यहाँ राइट साइड में जो डोर होता है उसको ओपन कर देंगे। इसको ओपन कर देने के बाद में धीरे से ये मशीन का इमेज यूनिट है और सारे में जो जो मॉडल मैंने आपको बोला उसका सब में ऐसी सेम वाला फैक्ट्रीज होता है। ठीक है, सारे में सेम होता है और करने मैंने इसको रिपेयर करने का भी तरीका सेम होता है। ठीक है, देखिए इसमें यहाँ मैं आपको उठा के दिखा रहा हूँ, इसमें एक कनेक्टर होता है जो कि मशीन में कनेक्ट होता है, तो इसको यहाँ पे दो साइड से हल्का प्रेस करें, देखिए अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ दो स्क्रू होता है, ये एक स्क्रू खोलें, इसको आप नीचे रख के काम करें, मैं आपको दिखाने के लिए ऊपर उठा रहा हूँ, और इसके अंदर में एक स्क्रू होता है, देखिए इसके अंदर में, यहाँ एक स्क्रू होता है, दो स्क्रू यहाँ होता है, ये एक स्क्रू है, चार स्क्रू खोल देने के बाद में यहाँ पे इस साइड से गियर के साइड से इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचेंगे थोड़ा सा, तो ये पीस अलग हो जाएगा। ठीक है, अलग हो जाने के बाद में ये पूरा सा हिस्सा अलग हो गया, पूरा हिस्सा अलग हो गया, इसमें आपका ड्रम, ये आपका ड्रम यूनिट होता है, और ये इसमें ड्रम यूनिट, ये सारे 106, 206, 215, 164, 165, 206, 215, 195, ये सारे में सेम होता है इसका यूनिट। तो इसको अगर आप इस ड्रम यूनिट को आप चेंज करना चाहें, मैंने मतलब इसको ड्रम चेंज करना चाहें, तो ये मार्केट में ये ड्रम मिल जा रहा है, इसको चेंज करें। ये ड्रम ज़्यादातर ख़राब हो जाता है कुछ कॉपी चलने के बाद में, या फिर इसमें लाइनिंग आने लगती है, तो इसको आप देखिए, जैसा कि ये अब लाइनिंग हो चुका है ड्रम, आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए यहाँ देखिए, इसका दो स्क्रू दिया है इसके अंदर में, इसको ओपन करना होगा,
बाद में इसको धीरे से खींच लिया और ये ड्रम यहाँ निकल आएगा। ड्रम निकल के आ जाने के बाद में ये इसका चार्जिंग रोलर चार्जिंग करोना होता है इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका एक लॉक दिया हुआ है, देखिए दिखा दे रहा हूँ पास से, ये लॉक दिया हुआ है ठीक है। लॉक को थोड़ा सा हल्का सा देखिए इसको पुश करेंगे अंदर की तरफ, माने सॉरी बाहर की तरफ को, बाहर तरफ करने के बाद में यहाँ इसको ऐसे टेक के इसको यहाँ ऐसे निकाल देने के बाद में थोड़ा इस तरफ को खींचेंगे, ये आपका निकल गया। अब ये निकल जाने के बाद में यहाँ आप स्क्रू दिया हुआ है, वाइपर ब्लेड है, ये आपका बाहर आ गया। तो ये भी बाहर आ जाने के बाद में इसको आप इसको ऐसे टोनर इसका आप जो निकाल दें, और इसको अगर आपके पास हवा वाला मशीन हो तो इसको साफ ऑफ कर दें। कर देने के बाद में फिर आपका जैसे ये था तो इसको यहाँ लगा दें, साफ कर दे या फिर वही हवा वाला हो मशीन तो आपके इसको सब मार दे, मारने के बाद यहाँ ऊपर से कपड़े में इसको जरा साफ कर दें। देखिए साफ कर देने के बाद में इसमें हमेशा ध्यान रखें आप साफ करते हुए, ये जो यहाँ पे घाटी दिख रहा है, ये जो घाटी दिख रहा है इसके ऊपर ये जो मतलब जाली है ये इसके ऊपर ना जाए, दोनों तरफ सेम है ठीक है। अब इसको लगाएंगे कैसे, अब ऐसी था हम लोग खोले थे तो यहाँ पे देखिए एक कट दिया हुआ है ठीक है, कट के से अब यहाँ भी एक कट है देखेंगे आपको दिखा दे रहा हूँ ठीक है। ये देखिए यहाँ एक कट है, तो ये आपका जो होगा ऐसे पकड़ के ये जो कट है इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाके थोड़ा सा पुश कर दें इसको ये अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद में जब चला गया चले जाने के बाद में इसको यहाँ पर ये जो प्लेट दिया हुआ है मैं आपको बता रहा था, तो ये प्लेट को थोड़ा सा ये करके देखिए अंदर चला गया। अब अंदर जाने के बाद में ये पहला एक साइड आपका लग गया, लॉक हो गया लॉक जन, ये जो देखिए दूसरा साइड है ये इसके अंदर यहाँ जाएगा ठीक है, यहाँ पे जाके लॉक होगा। ये जो यहाँ पर उसका घाटी ऑलरेडी घाटी कट दिया हुआ है वो कट के अंदर जाके यहाँ पे लॉक हो गया, देखिए ये आराम से रह गया। अब इसके बाद आपके पास जो नया ड्रम हो वो इसमें यहाँ लगा दें ठीक है, लगा देने के बाद में ये उसका लॉक दिया हुआ है, देखिए इसमें एक घाटी भी है, लगाने के बाद में आहिस्ता से इसे घुमा के देख लें, थोड़ा सा फ्री घूमना चाहिए ज़्यादा जाम ना घूमे। अगर जाम थोड़ा सा चले तो फिर से उसको खोल के आप वहाँ पे थोड़ा टोनर लगा सकते हैं फ्री के लिए। हो गया लग गया अभी आपका लग गया। अब लॉक हो जाने के बाद में इसको फिट कर लेंगे, फिट करने के लिए इस तरफ जो ड्रम का हिस्सा गियर का हिस्सा है देखिए मैं बता रहा हूँ, ये जो ड्रम का हिस्सा है ये इसी तरफ रहेगा। तो पहले आपको करना क्या है ना, पहले ये जो वायर होता कनेक्टर तो इसको यहाँ पे आप सेट कर लें, सेट कर देने के बाद में यहाँ उसका एक घाटी होता है वायर लटका के रखने के लिए, तो इसमें वायर को सेट कर दें। कर देने के बाद में यहाँ से इस एक हाथ पकड़ के थोड़ा सा इसको ऊपर करें, ये जो यहाँ पे घाटी है इसके अंदर ये चला जाए, चला जाने के बाद यहाँ इसको लॉक कर लें ठीक है। अब लॉक कर देने के बाद में
देते हैं यहाँ इसके अंदर एक दो तीन और एक चार स्क्रू लगाते लगाते मेरे को अपने आप यूनिट लगा आपका रेडी है, आप इसमें आप काम कर सकते हैं।